हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम Yeah.
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य
मनंद बाहु शशि सूर्य श्यामीत शव स्वे स्वीर व्याके आमी सुरसंग्राहि संधि प्रांजल स्वस्ति महर्षि सिद्ध संघ स्तुवन्ति स्तुति सो ये साध्या विश्वेश्म मरुत सोष्मास सुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते स्मिता सेव सर्वे शतव्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसिहिता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत्तमाधिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य ईश्वरस्य करं विधानम् भित्तास्ति विद्यं च परं च धाम त्वया कृतं ईश्वरमनं वायुर्यमो मे वरुणशशां कवितामहस्ते सुसहस्रते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते कविकमस्तु सर्वं समातो हिततो हि सर्व सघेति मात्वा प्रसन्नं यदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सघेति मया प्रमादात्मये न
गीता जी का पाठ दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थं गातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति सस्यानि नैनं दहति पावक न चैनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुत अर्थेद्योयमदायो मा क्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानु रचलोयं सनातन अव्यक्तोयमचिन्त्योय न विकायोयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि अथ तैनौ नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रु
ओम जन्म मृतस्य तस्मादपरिहार्येति न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्ताभिनिभूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव जान्या आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रोत्वापि नो वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवच्यूयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न संशोचितुमर्हसि देहि नित्यमवच्यूयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न संशोचितुमर्हसि वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यह प्राचीन परम चंद्र स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल का समय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 2 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ राम राम के द्वारा
सेवा करते हैं तो कर्मयोगी भी अपना कल्याण कर लेते हैं। कर्मयोगी नहीं होते, वे भोगी होते हैं। तो योगी और भोगी दो होते हैं संसारी, एक योगी और भोगी। तो योगी का भोग नहीं करते, भोगों से उधर चलते, वे योगी होते हैं और संसार का भोग करते हैं। जो जिसमें देवा शरीर दो बताया ना, दो चीज मानो संग्रह करना और सुख भोगना, तो उसमें भोग का ही मुख्य होता है। संसार के सुख भोगना शब्द स्पर्श रूप सुगंध पांच विषय है, और एक मान है, एक बढ़ाई है कीर्ति, और एक आराम है आलस्य प्रमाद से सुख भोगते तामसी। एक धन का अभिमान होता है, धन मेरे पास संग्रह हो गया, धन के कारण से सुखी होते हैं। तो भोग एक तो इंद्रियों के द्वारा होता है, एक अंतःकरण के द्वारा होता है। अंतःकरण द्वारा होता है जिसमें अभिमान का सुख होता है, अभिमान का हम जो मैं अभिमान हूँ इसको अभिमान का सुख, वो अभिमान जन सुख होता है धन से, विद्या से, योग्यता से। जो सुख भोगते हैं वे भोगी होते हैं अभिमान के, मैं पंडित हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, साधु हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे कर जो सुखी होते हैं सुख भोग है, ये भीतर का भोग है। और बाहर शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषयों का भोग है, आदर का भोग है, भलाई का भोग है, ये बाह्य भोग है। तो ये भोग हुआ सभी, तो ये भोग करते एक दो, एक एक योग करते हैं। तो योग क्या करें कि भोगों से ऊंचे होते योग होता है। भोग होता है तो क्या होता है कि भोग होता है तो सकाम भाव होता है, और योग होता है तो निष्काम भाव होता है। अपनी कामना रखना भोग होता है, निष्काम बनना योग होता है। तो ऐसा अष्टांगी बताई, योग है तो मानसू योग मानो, भोग से आती आदित बात योग है। तो योग से भी चिंता मिटती है और अध्यात्म तत्व से भी, सांख्य से भी चिंता मिटती है, योग से भी चिंता मिटती है, और भोग से चिंता बढ़ती है। भोग से चिंता बढ़ती दुख ही दुख होता है, उस भोग में सुख होता है, उसमें आसक्ति होकर काम करते हैं आदमी, तो आशु संपत्ति वाले हो गए, बंधन में जाते हैं। तो भोग परायण न हो गए हम, योग परायण हो जाए। योग नाम क्या है, योग की दो परिभाषा की है भगवान ने, दुख संयोग वियोग, योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग उसका नाम योग है। तो दुख के संयोग दुख किसको कहते हैं कि माम प्रीत्य पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न संसदि प्रवेश। दुखालय है संसार के संग्रह करना और सुख भोगना, ये दुखालय है, ये संसार है दुखालय। दुखालय में सुख भोगते हैं, तो दुख संयोग से वियोग होता है वो योग होता है। मन दुख लेने में मन सुख लेने में दुख होगा, संसार से सुख चाहते हैं वे आत्मी संपत्ति वाले होते हैं, भोगेश्वर प्रसन्नता ना, और सुख नहीं चाह करके संसार की सेवा ही करते हैं वे देवी संपत्ति वाले होते हैं। सब सुखी हो जाए, सबको आलाभ मिल जाए, तो क्या अपने निष्काम भाव, निष्काम भाव से देवी संपत्ति होती है, या सकाम भाव से आत्मी संपत्ति होती है। तो सकाम भाव से बंधन होता है, दो चाहे स्वर्ग में जाए चाहे ब्रह्म लोक तक चले जाए, ऊंचे लोग ब्रह्म लोक तक ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे लोग है, वहां जाने पर भी पीछे लौट कर आना पड़ता है। तो आशु संपत्ति होती है, वो चाहते हैं वो जो अपना सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो अपने लिए काम करते हैं, एक दूसरों के लिए काम करते हैं। जितना काम करते हैं संसार में ये भौतिक चीज, तो अपने लिए करते हैं, आशु संपत्ति वाले हैं, चाहे बड़े से बड़े हो, अपने लिए क्या, अपना कल्याण हो जाए, अपनी मुक्ति हो जाए। मुक्ति तक भी, मुक्ति सिद्धांत में वास्तव में आशु संपत्ति नहीं है, पर अपना स्वार्थ है वो उसमें भी आशु का अंश है। ब्रह्म लोक तक तो है ही, भोग भोगने के लिए ब्रह्म लोक दो जाना जाते हैं ब्रह्म लोक में, एक तो वे जाते हैं जो ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए, और एक वे जाते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, परंतु साधन पूरे नहीं होते, तो भोगों में इच्छा रहती है, अंत काल में भोगों की इच्छा हो जाती है, तो वे भी सारा ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो वहाँ ब्रह्म लोक में भोग भोग कर मुक्त हो जाते हैं, और भोग भोगने के जाते हैं भी पीछे ब्रह्म लोक से पीछे आकर ब्रह्म लोग पुनरावर्तन आते हैं सुख भोगने के लिए। तो भोगी तो वहाँ जाकर के पीछे गतागतम काम काम बनते,
भोगों की इच्छा रखने वाले के ताकत को प्राप्त होते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति से आने वाले हैं उनमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई और चिंतन भजन करते हो मरते तो वही क्रमशः ब्रह्म लोग हो जाकर क्रम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जिनको ज्ञान हो गया, भगवान में प्रेम हो गया, ये दोनों ज्ञान निष्ठ हो चाहे भक्ति निष्ठ हो, ये दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। भक्ति निष्ठ होते हैं भगवान के लोक हो जाते हैं, ज्ञान निष्ठ होते हैं यही मुक्ति हो जाती है। तो ये दोनों ही मुक्ति को पाते हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं विश्वास संपत्ति वाले, अपने स्वार्थ के लिए करना वाले सब आश्र संपत्ति वाले होते हैं। तो आश्र संपत्ति देवी संपत्ति दो का गीता में वर्णन आया है। और परमात्मा की प्राप्ति जो चाहते हैं वे आश्र संपत्ति वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो आश्र संपत्ति दो तरह के हुआ, देवी संपत्ति वाले दो तरह के हुए। एक देवी संपत्ति वाले संसार का हित करने वाले काम करने, एक भगवान का भजन करने वाले। तो संसार के हित करने वाले कर्मयोगी होते हैं, भगवान का भजन करने भक्ति योगी होते हैं। और संसार की सेवा करे तो वे भी देवी संपत्ति वाले भी प्रभुभूत हो जाते हैं। तो देवी संसार का हित करना, संसार की सेवा करना ये कर्मयोग हो जाता है। तो भगवान के भजन में रहते भक्ति योगी हो जाते हैं। तो संसार की सेवा करते हैं वो एक संसार की सेवा करते हैं, एक संसार में परमात्मा की सेवा करते हैं। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम जिससे संसार व्याप्त है, ऐसे जिस परमात्मा से पैदा हुआ संसार और जो संसार में परिपूर्ण व्यापक है अपने कर्मों से उस परमात्मा का पूजन करना। तो परमात्मा का पूजन संसार में भगवान का करते हैं, तो एक संसार को सुख पहुँचाते हैं। तो अपने सुख न लेकर संसार को सुख देने वाले देवी संपत्ति वाले होते हैं, और संसार में जो परमात्मा परिपूर्ण होते हैं वे भी देवी संपत्ति वाले भक्त हो जाते हैं। भक्त दो तरह के होते हैं, समझ लो, एक भगवान का ही भजन करते हैं, एक संसार में भगवान को समझ कर संसार की भगवान की सेवा करते हैं संसार के रूप में। तो संसार के रूप में सेवा करें वे भी देवी संपत्ति वाले, और केवल भगवान को सर्वोपरि मान कर भक्ति करें वो भी देवी संपत्ति वाले। जैसे आशु संपत्ति वाले होते हैं वैसे देवी संपत्ति वाले। तो ये दो संपत्ति बताई। तो मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, उस मनुष्य शरीर में दो है, द्वाविमोह पुरुषो लोके, ऐसे ही देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आश्रमता देवो विशेषा प्रोत आश्रम पाद में देवो देव देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय दो भूतसर्गो लोकेश में देवी लोकेश में इस लोक में दो संपत्ति वाले हैं, देवी संपत्ति और देवी संपत्ति वाले और आश्रम बने द्वाविमोह पुरुष लोके स्त्री से ही लोकेश में द्विधा निष्ठा प्राप्त वो भी होगा। नहीं नहीं यही अब यही लेना है, दो भूत सर्गो लोकेश में देवासु दो देव उसमें लोकेश ले लोक में है। तो ये लौकिक साधना है, भूत बाद पुरुषो लोके क्षर दो भूत सर्गो लोकेश में जिस लोग बहुत दो भूत सर्ग है मनुष्यों का सर्ग है। तो प्राणी से भी दो तरह के होते, वृक्ष है पशु पक्षी आदि स्थावर जंगम वे भी सब दो विषम देवी संपत्ति आश्रय वाले होते हैं। इनमें दो प्रकृतियों वाले होते हैं, कई देव रूप से कई आश्र रूप से है, देव आश्रय रूप से। तो देव और आश्र दो प्रकृति होती है। दो प्रकृति कौन होती है, जो भोग भोगवान होते हैं वो अपने सुख के लिए चिरे करते हैं वे आश्र होते हैं, और दूसरों को सुख के लिए देवी संपत्ति वाले होते हैं। तो कर्मयोगी देवी संपत्ति वाले हो जाएंगे और अपने सुख भोग कर्मी होगी भोगी हो जाएंगे वे आशीष संपत्ति वाले होगी, और योगी दो भूत सर्ग उसमें देवी संपत्ति वाले आशीष संपत्ति वाले। तो देव विश्रेष प्रभुत देवी संपत्ति वाले को कर्म योग से ज्ञान योग से भक्ति योग से जो मैंने बताया है वो विस्तार से कहा, आशीष संपत्ति का आप बताते हैं। तो आशीष संपत्ति वाला आशीष संपत्ति होगा। इन दोनों का ही आगे 17वें अध्याय में श्रद्धा बताई तीन तरह की। तो अर्जुन दो ही बात पूछी है, दो में कौन सी निष्ठा है महाराज की, तो दो निष्ठा कौन दो का वर्णन आया ना अभी आशु निष्ठा कर्म निष्ठा। तो निष्ठा दो तरह की पूछी अर्जुन ने, ये शास्त्र विधि में सिर्फ भर थे काम कार शास्त्र विधि में लेकर जाएगी तो परमात्मा की तरफ से लाएंगे,
और अपनी मर्जी से अपने सुख भोग के ले जाएंगे तो निष्ठा क्या होती। तो उनमें कहते हैं स्वाभाविक निष्ठा श्रद्धा तीन तरह की होती। तो तीन तरह के भेद बता दिए अर्जुन दो ही बात पूछी। अर्जुन के उस भीष्म का अध्याय सुना दो दो ही बात पूछी। तो ये शास्त्र बुद्धि मिश्र जी ये जनते श्रद्धा ने कहा पूछने श्रद्धा कर करते हैं तो है तो देवी आशु संपत्ति वाले परंतु उनमें श्रद्धा है उनकी निशा क्या होती है। श्रद्धा नाम विश्वास है पूज्य भाव से विश्वास है भगवान पर परलोक पर विश्वास है ऐसी श्रद्धा हो गई। अब काम करते हुए तुम आशु संपत्ति में चले गए अब श्रद्धा वाले उनकी निशा क्या होती है। तो भगवान कहते हैं श्रद्धा वाले तीन तरह होते हैं तुम आहो रजस्तम उसी सात्विक है आहो रजस्तम अथवा राजतामसी दो निशा पूरी सात्विक है देवी संपत्ति होगी रजस्तम आशु संपत्ति होगी। तो दो पूछे भगवान तीन के त्रिविध होती श्रद्धा तीन तरह की श्रद्धा होती है। वो स्वभाव जा बताइए कहते हुए लोग कहते हो तो स्वभाव जा श्रद्धा तीन तरह की होती है। क्यों स्वभाव जा की बात ही वर्णन आया पहले पहले जो वर्णन आया है काम कार था अपनी मर्जी से करते हैं काम तो मर्जी से करने वाले काम है वो भोगों को मुख्य लेकर करते हैं उनमें भी तीन तरह के हो जाते हैं श्रद्धा और तीन तरह की जैसे श्रद्धा शास्त्र विधि का त्याग कर देते हैं तो शास्त्र विधि के त्याग करने पर दो तरह के होते हैं तीन तरह की श्रद्धा वाले होते हैं। तीन तरह श्रद्धा में आसुरी और आसमान राशि और तामस वाले आशु संपत्ति में हो जाएंगे और जो सात्विक श्रद्धा होने वो देश ये तीन तरह की निष्ठा होती उन तीन तरह की श्रद्धाओं का वर्ण शत्रुवाध्याय भगवान ने किया। तो तीन तरह की श्रद्धा है तो देवी संपत्ति राशि संपत्ति है तो दो बात हुई है। तो देवी राशि संपत्ति का वर्ण हुआ उसमें आशु संपत्ति में होगी अपने जो बात बताई कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष बात है तो इसमें अंतकरण है इसको लेकर के परमात्मा की तरफ चलते हैं एक इसका त्याग करके परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो इंद्रियों की अंतकरण की सहायता से ही सहायता लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वो कर्ण सापेक्ष साधन होता है और इनसे छोड़ करके चलते हैं वो कर्ण निरपेक्ष होता है। तो ज्ञान मार्ग में भी विवेक को लेकर चलते हैं वो कर्ण निरपेक्ष चलते हैं और जो भक्ति को रहते हैं वो भी कर्ण निरपेक्ष होते हैं। ऐसे कर्म योगी होते हैं कर्ण निरपेक्ष होते हैं और कर्मी होते हैं उनमें जो सती वो कर्ण सापेक्ष होते हैं। कर्ण सापेक्ष में दो तरह के हो जाएंगे कर्ण होने के भगवान का ध्यान करेंगे तो कर्ण सापेक्ष भी भगवान की तरफ चलेंगे ये होगी भौतिक निष्ठा निष्ठा होगी होगी जो बोलेंगे जैसे ही बोलेंगे इस तरह बात है। दो तरह की संसार है एक संपत्ति आशु संपत्ति वाला नारायण नारायण नारायण। हाँ देवी संपत्ति है वो अलौकिक है लौकिक दोनों ही बताई है इनमें बात बताई लोकेश में दीर्घा निष्ठा पूरा पूरा ज्ञान योग जैसे लोकेश में ऐसे ही दो घुसरू लोकेश में देव वास्तव तो देव है वो अलौकिक हुआ है लोकेश देवास बहुत भूत सर्व लोकेश देवास देव विष्णु शब्द होता आशीर्वास तो देव संपत्ति हुई। अब देव लोक में ही रही देवी संपत्ति आशु संपत्ति लोक में कर्मयोग का साधन तो फिर कर्ण निरपेक्ष कहते कर्म योग कामया नाम का है कर्मयोग कर्म है कर्मयोग कर्म सापेक्ष है परंतु कर्मयोग वास्तव में कर्म कर्ण निरपेक्ष है ये बात पूर्व समझने की आवश्यकता है। कर्मयोग नाम क्या है देखो कर्म कर्म सापेक्ष कर्ण सापेक्ष है योग कर्म कर्ण निरपेक्ष है। कर्मयोग के दो भाग है एक कर्म भाग है एक योग भाग कर्म पूर्वार्ध है योग उत्तरार्ध है। तो कर्म में सकाम और निष्काम दो भाव होते हैं तो कर्म में निष्काम भाव है
वो निष्काम भाव जो कामना और कामना का त्याग दोनों लौकिक हुआ, कामना करना और कामना का त्याग करना लौकिक हुआ, सकाम निष्काम लौकिक हुआ, ऐसे ज्ञान और अज्ञान लौकिक हुआ, ज्ञान और अज्ञान दोनों लौकिक हुआ, बंधन मोक्ष दोनों लौकिक हुआ, बंधन मोक्ष दोनों लौकिक सब प्रेम मधु मानो कर्म योग किस होगा, कर्म नाम कर्म करना ये तो कर्म सापेक्ष होगा, कर्म तो कर्म सापेक्ष होगा, कर्म योग के आगे निष्काम भाव होगा तो निष्काम भाव में इंद्रियां अंतःकरण नहीं काम करेंगे, निष्काम भाव शरीर में होगा। साधन काल का तो कर्म सापेक्ष रहेगा, लेकिन कर्म योग हो जाएगा तब वो निर्देश होने पर ही कर्म योग होगा। नारायण 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 जी, भक्त दो प्रकार के अभी आपने बताया, भक्त दो प्रकार के होता है, एक तो भक्त जो है भगवान का भजन करता है और एक जो है संसार की जो है भगवान समझ करके संसार की सेवा करता है, तो इन दोनों में अभी वर्तमान में साधक के लिए कौन श्रेष्ठ है? दोनों श्रेष्ठ है, जिनके भगवान के प्रेम की मुख्यता है वो तो भगवान का भजन करने वो अधिकारी है, और जिनका सांसारिक सेवा करने की इच्छा है कभी सबकी सेवा करूं, जैसे ये अपने कहते हैं लोग आज लोग कहते हैं कि हम जनता की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, तो जनता से सोचने तो वे समझते नहीं है ठीक तरह से, तो सेवा करने का भाव है ना वो केवल भाव सेवा ही करना है, तो ये प्रवृत्त भूता नाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तुम्हें भेज अपने कर्म उनका पूजन करे, तो अपना काम है जो जितना काम करे केवल संसार के हित के लिए ही करे, संसार में परमात्मा उसको पूजन करे तो काम लौकिक होगा, सभी मत कर्म कर मत परमा मत भक्त तो भगवान के लिए कर्म करे ना, तो मन जो व्यापक है सब उस भगवान का पूजन करे, जैसे अपने ये लोग आज जो कहते हैं लोग जनता जनार्दन की सेवा करते हैं हम, तो ये जनता जनार्दन की सेवा करे वे वो भक्ति होगी, आज करते हैं वो भक्ति नहीं होती है, वे सेवा नहीं करते, वो मान बढ़ाई के लिए करते हैं, भोग सकाम भाव है वो, अगर निष्काम भाव करे तो सेवा करने वाले परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, भूता नाम ये सर्विदन तथम स्वकर्मणा तम भ्य सिद्धि विन्दति मानव, मनुष्य परमात्मा सेवा करे, जीव मात्र में परमात्मा सेवा करे, कुत्ते को रोटी डाले तो कुत्ते में भगवान है उसको भोजन कराएगी, जैसे नामदेव जी महाराज सब में भगवान की पूजन करते थे, तो कुत्ता रोटी गया तो उसमें भगवान है तो घी लेकर पीछे दौड़े, तो संसार में जीवों में भगवान को सूर्य पूजन करे और वो पूजन एक दौर एक परमात्मा का संसार सभी को और परमात्मा भजन ध्यान सपने मिल जाए, ये दोनों भगवान की भक्ति है, दोनों भक्ति है, तो दोनों भक्तियों में जिनके संसार काम करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, क्रिया में प्रवृत्ति ज्यादा है, काम करने की ज्यादा है भगवान की भक्ति, वो ऐसे कर्मयोग के अधिकारी है, वो कर्मयोग के तो सब भक्ति ऐसे भक्ति के अधिकारी है, या जिनको संसार काम से जैसे सुहाता नहीं, सेवा भी सुहाती नहीं, झंझट मालूम होता है, नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान के जप में निरंतर रहना, ऐसी चीज रुचि है, तो वो केवल भक्ति का अधिकारी है, वो भगवान पर होगा, झुकाव ज्यादा किस तरफ होना चाहिए, झुकाव जो है साधक का झुकाव किस तरफ ज्यादा होना चाहिए, प्रयास प्रयास ज्यादा, और प्रकृति अलग है, एक प्रकृति एकांत में भजन करने की होती है, एक सेवा करने की प्रवृत्ति होती है, एक संसार का काम करें सेवा करें, तो संसार की सेवा करो तो फिर संसार में भगवान का समझ लो करो सेवा, ऐसी प्रवृत्ति आदत होती है, एकांत में भजन ध्यान करने की आदत होती है, एक संसार की सेवा करने की, तो सेवा करने की आदत होती है, वे संसार भगवान से ये भक्ति करे, और जो एकांत की बात अलग है, एकांत में मैं साधक हूँ, हाँ? मैं साधु हूँ, भोग क्या है, मैं साधक हूँ, मैं साधु हूँ,
इसमें भोग क्या है? इसमें भोग ये हुआ कि मेरे को लोग अच्छा समझे, मेरा आदर करे कि मैं त्यागी हूँ, रागी है, भोगी है, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरे काम आना चाहिए, मेरा आदर करना चाहिए, ये भोग है। मैं विरक्त हूँ, मैं त्यागी हूँ, क्या समझे हो तुम? तो त्यागी आदर कराओगे नहीं तुम? आदर नहीं करते, ठीक कर नहीं करते, ये भोगी हुआ है, ये भक्त भोगी हुआ, त्यागी भोगी हुआ। मैं पंडित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं पहचान नहीं लेता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, पैसा ही नहीं लेता हूँ, तुम्हारे से आदर भी नहीं लेता हूँ, नमस्कार भी नहीं कराता हूँ, तुम्हारी कोई सेवा नहीं लेता हूँ, तो मेरा आदर करना चाहिए नहीं? आदर करो तो अच्छा लगे, आदर नहीं करे बुरा लगे। आप लोग आदर करो तो अच्छा लगे, आदर नहीं करो बुरा लगे, तो भोग हुआ कि नहीं? आदर का भोग हुआ, प्रशंसा का भोग हुआ, तो भोग ही हुआ। योग में भोग होता है, ज्ञान में भी भोग होता है, मैं ज्ञानी हूँ, योग में भी भोग होता है, मैं योगी हूँ। जहाँ मैं योगी हूँ, जहाँ मैं ज्ञानी हूँ, जहाँ मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं विद्वान हूँ, जहाँ हूँ आई साथ में भोग हो गया। महाराज जी, जब योग हुआ तो भोग नहीं हुआ, अगर वास्तव में योग है तो उसका भोग हो ही नहीं सकता। योग में भोग नहीं होता, भोग छूटने से योग होता है। तो भोग ही हुआ, भोग भोगी हुआ, मन चाहता है, बड़ाई चाहता है, परलोक में सुख चाहता है, वो भोगी है। अबे मैं विरक्त हूँ तो भोगी है, मैं ज्ञानी हूँ तो भोगी हूँ, मैं योगी हूँ तो भोगी हूँ, मैं भक्त हूँ तो भोगी हूँ। साधन से विशेषता का अनुभव तो होता ही है, साधन करते हुए विशेषता का अनुभव तो होता है, अनुभव तो होता है, पर अनुभव का अभिमान होता है, अगर चले उत्साह होता है, उत्साह रहना चाहिए, उत्साह तो दोषी नहीं है, भोग दोषी है। अपने लोगों में से लोगों से अपने में विशेषता दिखती है, वो भोग है। विशेषता तो नजर तो आती है, विशेषता आती है, विशेषता की दृष्टि से भोग है, नहीं है, विशेषता नजर तो विशेषता लेकर के मेरे में विशेषता इतना अंश तो भोगी है, इतना अंश तो ये कैसे छूटे? नहीं, ये कैसे छूटे? भगवान फर्क थोड़ा कर, भगवान से करे, इसमें ऐसे छूटे हैं कि आप जो भजन करते हो वो आपका उद्योग नहीं है, वो भगवान की कृपा है। अपना मानने से भोग होता है, भगवान की कृपा भोग सुन लेता है, जितना साधन बनता है, सत्संग बनती है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा से बनता है, कृपा का ही भरोसा, फिर योग हो जाएगा। अपना है मेरा उद्योग तो भोग हो जाएगा। अपने में विशेषता दी थी लोगों से, तो उस कृपा मानने वाले क्या होता है? कृपा मानने वाले देखता है भगवान की कृपा तो सब पर है, कसाई पर भी है, दरकार जीवनों पर भी है, मेरे पर भी है, तो ये विशेष कृपा होगी मेरे उधर की, विशेष कृपा होगी। कृपा में खाली कौन है? कृपा से रहित है कोई? कोई सावर जंगम नरकी नरकी जीव कोई भी भगवान परमात्मा कृपा से वंचित नहीं है। कृपा कृपा होगी जो कृपा ने, भगवान ने कृपा को मेरे को जना दिया, कृपा जना दी, ये कृपा हुई भगवान की, मेरे उद्योग से बदल नहीं होता है, भगवान की कृपा से होता है। अरे कृपा कर, कृपा की तरफ दृष्टि भी भगवान की कृपा से हुई है, ये विशेष होगी, ये भी कृपा से ही है, भगवान की कृपा ही मुख्य माना है, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है, तो फिर भोगी नहीं हुआ, फिर योगी हो जाएगा, तो भक्त हो गया, हो फिर भक्त हो गया, तो भगवान का भक्ति तो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं रहा। बहुत विलक्षण बातें बनी गीता में, ये नई नई बातें आती है, नई नई तरह से लगती है, गीता तो समझ में आती नहीं है। अच्छा, तो मेरे में गीता शिवाय लिखता है, क्या दिखता है? नहीं नहीं महाराज, देखो तुम्हारे में हमारे शरीर में देखो, गीता ने देखो, थे क्या देखो? आपके ज्ञान में देखा, हमारे ज्ञान है जो भगवान में है, तुम्हारो है,
आपके शब्द हो तो भगवान की हमारी बात तो समझ में गुनिया आप ही समझ में आओ आप समझ में आप नहीं तो कह सको हमारे कहने स्वभाव है तो कहने में किसी के द्वारा कह दे है तो भगवान की कृपा ही आप भगवान के संबंध को छोड़कर मेरे में क्या विशेषता देखो बताओ फिर भगवान ही मेरी तो मेरी क्या हुई धनवान की महिमा है वो धनी की महिमा है कि धन की महिमा है धनवान अपनी महिमा बदे वो तो महिमा नहीं है महिमा धन की है धन नहीं बने गुण पूछे मैंने मालूम ये भगवान की कृपा नहीं मैंने गुण पूछे मैंने रोटी शाही दी हुई भगवान मौज करवा दे मांगी मेरे राबड़ी करूं कान भरण मोहन भोग गले में शरण नारायण 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 धन है विशेषता तो है विशेषता है ऐसा धन है पर विशेषता महिमा है खुद की महिमा है गरीब आदमी राजीव है फजीती है निराधार उसका क्योंकि जड़ के कारण से महिमा हुई एक चेतन के कारण से महिमा हुए तो धन शुद्ध तू चेतन है धन त्रिशु जड़ है धन थारे कमाए उड़ो है तू धनुष थोड़ी को पैदा हुई हो धन कमायो मनुष्य ने धन कमाया धन ने मनुष्य को बनाया अपने बनाए उड़े से राजी हो गया बनावट में राजी ज्यादा अपने खुद में बेइज्जती हुई धन सु विद्या सु जो है विशेषता है तो धन की विशेषता है विद्या की विशेषता है बैराग्य से मैं तेज हुआ तो बैराग्य की प्रशंसा है भाई थोड़ी हुई और भगवान की प्रशंसा है मेरी प्रशंसा है तो भगवान की हुई मेरी नहीं हुई मेरी तो है ही नहीं चाहे भक्ति से है तो भगवान की ज्ञान से है तो ज्ञान की धन से है तो धन की योग्यता से है तो योग्यता की तो मेरी हुई मेरी मानो तो गलती हुई थी मेरी माँ ने भोगी हुआ अपनी मानी योगी हुआ मेरी माँ नहीं भोगी मेरी नहीं मानी योगी ठीक है धनवान की तो धन के कारण फजीति होती है और भगवान के फजीति होगी इज्जत होगी क्योंकि सच्ची बात ईश्वर का अंश है धन का अंश थोड़ा ही स्वयं भगवान की भक्ति से इज्जत क्यों होती है भगवान का अंश है धन से फजीति क्यों होगी धन का अंश है ही नहीं खुद वो धन तो जड़ है उसकी प्रशंसा हुई जड़ता ही प्रशंसा हुई भगवान का तो अंश है भगवान के कारण बड़ा आदि फलाना बेटा ऐसा तो बाप की प्रशंसा हुई फलाना बेटा आदि फलाना बड़ी प्रशंसा हुई खुद ही थोड़ी हुई तो खुद ही तो नहीं हुई ना कटही खुदरी का हुई खुदरी नहीं हुई खुदरी संबंध से हुई बाप से बेटे प्रशंसा हुई तो खुदरी थोड़ी हुई मैं बाप रे बेटो वो बाप बड़ो हो जाओ बड़े घराना रहा आ तो मैं कहूँ अपन शरण में ये मानना चाहिए कि भाई बड़े घराना रहा मामूली घराना नहीं रहा भगवान का साक्षात बैठा हो तो गर्मी होनी चाहिए अस अभिमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक सेवक भगवान मेरे हैं तो ये भगवान के कारण हुई तो अपनी संस्था नहीं हुई भगवान ही हुई है तो ऐसा अभिमान मारे मैं भगवान ना हूं मैं धनवान हूं जो तो फजीती हुई या भगवान की इज्जत हुई है तो धन में धन ही मैं मार भगवान ने भगवान ही मैं खुद की थोड़ी है भगवान के कारण है तो हमारी फजीती कैसे हुई सच्ची बात हुई क्यों भगवान का हम है तो और तो अभिमान खराब नहीं बताया हुआ ऐसा अभिमान जाए नहीं बोले ऐसा अभिमान रहना चाहिए मैं सेवक अरे को पति पति बोले बानी तो भी बादशाह आ गई और उनकी सरदार तो उनकी सरदार बादशाह की ओर से आ गई स्वयं है बादशाह तो बादशाह की महिमा हुई जिनके हरि की प्रति इतने सो
करे ऐसा आशा अगला कबर की करे है आशा कबर की भगवान 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 ने कहा आप एक सभ्यता भगवान रहा भगवान कहते हैं मारे वन से हो तो आ गर्मी चाहिए जाओ अपन में धनी आ गर्मी नहीं चाहिए जड़े वन नष्ट होने वाले गर्मी गर्मी थोड़ी गर्मी अनुत्पन्न तत्व की है